फाइनली हसीन दिलरुबा एंड फियर स्ट्रीट पार्ट वन 1994। हालांकि ये दो अलग वीडियो बनने वाले थे, लेकिन यूट्यूब पे इतना सारा कचरा भर गया, इतने सारे रिव्यूअर्स आ चुके हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि यार मेरे चैनल की वो खास ज़रूरत है। लेकिन इसलिए अब से मैं अपनी तरह से अपने हिसाब से करूँगा काम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हसीन दिलरुबा, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इस मूवी से मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा फॉर यू, यानी कि आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग में आपको एक मैसेज बता दें इस मूवी का, कि अगर आपके पास एक ऐसी बीवी है जो सेक्स बॉम्ब है, यानी कि वो एक ऐसा आइटम बॉम्ब है जिसे मैं क्या ही बोलूँ, तो अगर वो आइटम बम आपको जलाने नहीं आता, यानी कि उसको फोड़ना नहीं आता, तो भाई उस आइटम बम से शादी मत करो। क्योंकि अगर आप लोग से ये गलती होती है तो उस आइटम बम को कोई और फोड़ेगा, फिर ऐसे में आपकी लाइफ पूरी तरह से फूट जाती है। समझ रहे हो ना, मेरी बात समझो। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 15 मिनट की थी, और कहानी जो आपने ट्रेलर में देखी बिल्कुल वही है कि रानी यानी कि तापसी पन्नू उसके हस्बैंड ऋषु यानी कि विक्रांत मासे की हो जाती है डेथ। अब ये डेथ की वजह क्या है, यानी कि क्या रानी ने अपने हस्बैंड का प्लान मर्डर करवाई है, या रानी या वजह कुछ और है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एक वर्ड में बोलूँ तो ये मूवी स्ट्रिक्टली एक डिसेंट वॉच है। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हो। अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो जहाँ पर आपको हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक देखने मिलेगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत खट्टा मीठा प्यार देखने को मिलेगा, और एक किसी तीसरे की एंट्री देखने को मिलेगी, यानी कि वो एक बीवी का किसी और से चक्कर चल रहा है, फिर वही ठुकाई पुकाई घपाघप एंड ऑल, ये सब आप लोग इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यस ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप लोग कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा सरप्राइज इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यार वो कुछ भी नहीं है। मूवी में बस वो सिंपल सा टिपिकल प्लॉट है जो आपने इससे पहले बहुत सारी मूवीज़ में देखा, बस वही सारी चीज़ें होती है, बट हल्का फुल्का ट्विस्ट डालने की कोशिश की है और कुछ नहीं। तो इसलिए ये एक डिसेंट वॉच है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया, BGM अच्छा है, लेकिन सॉन्ग्स एक से बढ़कर एक घटिया, मतलब मुझे इसके एक भी सॉन्ग्स अच्छे नहीं लगे। और ओवरऑल अगर एग्जीक्यूशन बोलूँ तो एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक किया, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट क्या ये ज़रूरी था इस मूवी के लिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से 1 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट की मूवी होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार तापसी पन्नू हमेशा की तरह जिस तरह से वो परफॉर्म करती है बिल्कुल उसी तरह का परफॉर्मेंस किया, जो कि मुझे अच्छा लगा। विक्रांत मासे जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और उन्होंने भी यहां पर बहुत ही अच्छा काम किया, और ऑल्दो उनके पास काफी चैलेंजिंग रोल था, और सीरियसली अगर ये मूवी आप लोग देखना भी चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मासे के लिए देखना, क्योंकि उनके कैरेक्टर में जो लेयर्स थे ना बहुत ही गजब यार। अभी मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता बिल्कुल भी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विक्रांत मासे के लिए इस मूवी को एक बार चेक करना। और हर्षवर्धन राणे की बात करो तो यार उसका काम यहाँ पर बहुत कम है, हालांकि गजब के एक्टर है तो उनको थोड़ा बहुत और काम दिया जाता तो शायद अच्छा होता। उसके अलावा मूवी में अभिजीत को बहुत ही बुरी तरह से वेस्ट किया, यानी कि वो अपने CID वाले अभिजीत, इतना पोटेंशियल एक्टर है ना भाई, अगर उसको और थोड़ा गजब का रोल देते, मतलब उसके कैरेक्टर में और कुछ चीज़ें डालते ना तो मूवी में देखने का मजा आता, जो यहाँ पर पूरी तरह से वेस्ट किया है। तो आई एम सॉरी जो भी इसके मेकर, यार उनको एक ही चीज बोलूंगा कि यार आपके पास बहुत ही अच्छा मौका था उस चीज को एक अलग लेवल पे लेके जाने का, लेकिन आप पूरी तरह से फेल हुए हो यार, मेरे हिसाब से तो हुए। पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो हसीन दिलरुबा मूवी में आपको कुछ किसिंग सीन देखने को मिल जाएंगे, तो इस हिसाब से ये आप अपनी फैमिली साथ बैठ के नहीं देख सकते। ओवरऑल मेरे टाइप की ये मूवी नहीं थी, और मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 1.5 out of 5। अब आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। खैर अभी हम लोग फियर स्ट्रीट पार्ट वन 1994 इस पर्टिकुलर मूवी की बात करें तो देखिए यार इसकी ट्रायलॉजी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी, जिसका ये पहला पार्ट है, यानी कि इसके बाद के दो जो पार्ट है वो हमें नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे, जो कि आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये एक हॉरर स्लैशर मूवी है। मूवी का प्लॉट फोकस करता है एडी शाइड, ये एक टाउन है जहाँ पर एक साइको किलर घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है। अब ये इस टाउन के लिए पहली बार नहीं है, यानी कि इस टाउन में साल दर साल ऐसी चीज़ें होती गई है, और ऐसे बहुत सारे साइको किलर इस टाउन में आए और लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारा है, और अलग अलग किलर्स आए हैं जो कि हमें आने वाली मूवीज़ में देखने को मिलेंगे। खैर अब इस टाउन के जो टीनेजर्स हैं उनके पीछे ये साइको किलर पड़ा, या तो आप कह सकते हैं पड़े हैं। अब ये टीनेजर्स लोग उन किलर से किस तरीके से खुद को बचाते हैं और अपने टाउन के लोगों को बचाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फर्स्ट पार्ट। मूवी के कॉन्सेप्ट के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, मज़ा आ गया। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यार ये वही टिपिकल स्लैशर मूवी जो इससे पहले हमने कई बार देखा, ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस हो रही थी वैसे वैसे मूवी
कुछ ऐसी चीज़ें बता रही थी जो आपको एकदम एज ऑफ द सीट रखती है और आपको समझ लो सीट पे फेविकॉल लगा के छिपकवा डालती है। और वो चीज़ मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा मूवी में जितने भी जो ब्रूटल किलिंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक थे यार, वो देखकर तो मुझे लिटरली डर लग रहा था। उसके अलावा मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं यानी कि पार्ट वन के, उन कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा, ऑल्दो उनकी बैक स्टोरी यानी कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया लेकिन जितना भी बताया अच्छा है। उसके अलावा मूवी में अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो यार लाइट्स का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है और वो जो किलर बताया उनको मतलब यहाँ पर ज़्यादा कोई डरावने मेकअप नहीं किया, बस वो हॉलोवीन के जो मार्क्स होते हैं बस वही सारी चीज़ें दी है। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो जो डर है वो आप फील कर पाते हो। बीजीएम बहुत ही कड़क यार, एकदम रोंगटे खड़े कर रहा था। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो यार सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से किया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मूवी जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से इसके पार्ट टू यानी कि फियर स्ट्रीट पार्ट टू 1978 का वेट नहीं होता। और मैं तो इतना कहूँ कि उसकी जो ट्रेलर या जो छोटी सी ग्लिम्स बताई है ना वो पार्ट वन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताई है। क्लियर गाइडेंस की बात करें तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इसमें बहुत सारे वही लेस्बियन वाले किसिंग सीन है, वो तो वो सीन से और वो वायलेंस है, तो इस हिसाब से आप लोग फैमिली के साथ मत देखना। हाँ, अकेले चाहो तो देख सकते हो। इसकी हिंदी डबिंग भी ठीक ठाक की गई है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं, मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट पार्ट को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये दोनों मूवीज़ के वीडियो अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करो, नहीं डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर भी कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।